हेलो भाई, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको राहु की महादशा, राहु में सूर्य की अंतर्दशा जो 10 माह 24 दिन चलेगी और मकर लग्न के जातकों के लिए वीडियो होगा, ठीक है। तो ज्योतिष प्रेमी के अलावा मकर लग्न के जातक है वो उनके लिए विशेष वीडियो है। चलते हैं आगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपको ज़रूरत पड़े तो संपर्क कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिभुवनकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश गुरुश शुक्र शनि राहु केतु कुरुवंती सर्वे मम सुप्रभात। ज्योतिष का मतलब है, या ज्योतिषी का मतलब है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। ज्योतिष का मतलब ही है प्रकाश, ठीक है। आपके जीवन के उत्साह को बढ़ाना, ना कि खत्म करना। ऐसी ज्योतिष बताना जिससे कि आप डर जाओ और डर के और परेशान हो जाओ। तो आपको डराना, भ्रमित करना, आपके उत्साह को गिराकर जीवन में निराशा पैदा करना, ये उद्देश्य नहीं है। आपको पॉजिटिव बताना, आपको कर्म की ओर आगे लेके जाना, ये हमारा उद्देश्य है। ओम घृणीचूरादित्यम, महाव्याधि से मुक्ति के लिए पूज्यपाद युगराज देवरा बाबा बताया करते थे, बड़ा अच्छा मंत्र है ओम घृणीचूरादित्यम, जाप करिए आप भी। जनरली ये होता है कि जो अंतरदशाएं होती वो रिजल्ट देती है। राहु में सूर्य चल रहा है, अब राहु को भूल जाओ, आप सूर्य को याद रखो, ठीक है। तो इसमें यह बताया है कि सूर्य के उच्च अंश मेष राशि में 10 अंश है और सूर्य के नीच अंश तुला राशि में 10 अंश है। ये अंशों का बड़ा महत्व है। यदि आपका सूर्य 25 डिग्री का हो, नीच का हो, तो उतनी खराब फल नहीं देगा, ठीक है। उसी तरीके से एग्जैक्ट 10 अंश में तुला का हो तो बहुत तकलीफ देगा वो। उसी तरीके से यदि आपका सूर्य उच्च का है मेष में, एग्जैक्ट 10 डिग्री का है तो बहुत अच्छे फल देगा, और यदि 25 डिग्री का है कम फल देगा। तो उस अंशों में होना चाहिए, तब वही ऊंच और नीच कहलाएगा वो, ठीक है। ये उच्च नीच की तालिका बनी है, इससे आप जरूर देखिए। यदि आपका सूर्य मृत्यु भाग में विषगति में है, उसकी जांच बुद्धिमान ज्योतिष से आपको करवाना चाहिए। ये सूर्य के मृत्यु भाग मुस्करांश पुष्कर नवमांश की एक तालिका दी हुई है जो ज्योतिष के लिए, ज्योतिषियों के लिए काम आती है। सूर्य एक विशेष बात है कि सूर्य शरीर का कारण है, आपकी हेल्थ का कारण है, आरोग्य का कारण है। आरोग्यम भास्कर आदि, भास्कर आदि छेद मत्स्य पुराण में आई है बात। आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से करनी चाहिए, क्योंकि इनकी उपासना करने से मनुष्य निरोग रहता है। तो सभी को सूर्य की आराधना करनी चाहिए, किसी की कोई दशा चले, ठीक है। नवग्रह स्त्रोतम से जो है ग्रह शांति होती है, बड़ी सरल उपाय है। जपा कुसुम संकाशम काष्पे मधुदिन तमोरी सर्व तमो अरिम सर्वपावनम प्रत्योस्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य की आराधना बहुत जरूरी है। जो मिडिल क्लास के फैमिली हैं वो सूर्य का रूबी पहनने से बचे हैं। जो धन संपन्न लोग हैं उनको छोड़िए, वो कुछ भी करें, राहु केतु जिस भाव में रहते हैं उसके फल देते हैं, ठीक है। इनकी कोई राशि नहीं, ना दृष्टि है। जातक तत्वम कहती है कि जब लगातार पाप ग्रहों की दशाएं बहुत कष्टप्रद होती है, केंद्र में बैठे जो ग्रह हैं शुभ फल देते हैं, 6, 8, 12 में बैठे ग्रह खराब फल देते हैं। राहु पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये राहु पर कुछ खास बात है, और आपको पॉजिटिव करने के लिए कुछ खास बातें लिखी गई है। कर्म की गति गहन है, कुंडली प्रारब्ध बताती है, कर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ज्योतिष है। आपको जीवन में कर्म करना ही पड़ेगा, ज्योतिष के भरोसे आप नहीं रह सकते। आपको पेट पालना है तो पेट पालने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। गीता के अध्याय 3 श्लोक नंबर 8 शरीर यात्रा शब्द आया है, तो इस शरीर को पालने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। देव और पुरुषार्थ में कौन बड़ा, तो पुरुषार्थ बड़ा। भाग्य, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप ही है, ठीक है। तो कर्म को बिना शरीर निर्वाह नहीं हो सकता भैया, काम करना ही पड़ेगा यार। इसलिए एक सीमा के बाद ज्योतिषी के चक्कर के काटना बंद कीजिए। लगातार पाप ग्रहों की दशा, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, ये है राहु, सूर्य, शनि, मंगल, केतु, ऐसे लगातार क्रम पड़ेंगे तो कष्टप्रद होते हैं। ध्यान रखिए, राहु तम का कारक है। राहु की महादशा में तम एक्टिवेट रहता है, मतलब बुराइयां एक्टिवेट रहती है। तमस जो गुण होता है, तमस वो एक्टिवेट होता है। राहु की दशा में बहुत तकलीफ होती है कई बार, जैसे सरकारी लोगों को डिपार्टमेंट इंक्वायरी, प्राइवेट लोगों के घर में इनकम टैक्स छापे, सुसाइड कर लेते हैं राहु में लोग, पॉइजन, कंस्पिरेसी, ठीक है, ये सब चीजें होती है। राहु फांसी का भी कारक है। जो बड़े व्यापारी हैं या गवर्नमेंट के अफसर हैं, उन लोग कोई विभागीय जांच में फंस जाते हैं, दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कोई लोकायुक्त, ACB या CBI छापा मार के ट्रैप कर लेती है, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं लोग, छापा, जब्ती, सीजर, ये सब घटनाएं का कारक है। खासकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग टैक्स चोरी में मामले दर्ज करते हैं। PMLA एक्ट होता है 2002 में,
जो आजकल ज्यादा बहुत चर्चित है, ईडी, वो ये ईडी है। ये ईडी के पास इतनी ताकत है, कहीं पे भी कुछ चल रहा है जाके, किसी थाने में आपका एक अपराध दर्ज होगा कोई वित्तीय मामले में, तो जाके इन लोग को पता लगेगा, तो ये जाके बोलेगा मेरी भी एक FIR ठोक दो, ठीक है। तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये है संतानहीनता के मामले में राहु साफ योग निर्मित करता है। राहु पे कुछ, राहु गंगा स्नान कराता है, 9वें और 10वें भाव में रहा तो ठीक है। तो एक राहु का भी कुछ अच्छी चीज़ है जो आप, अच्छे फैक्ट हैं जो आप पढ़ सकते हो इसको। अब बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ। राहु का ये कारकत्व तो है और ये सूर्य का कारकत्व तो है, ठीक है। और ये भी उत्तर कालामृत ग्रंथ से सूर्य के कारकत्व तो, आप चाहे तो देख सकते हो उसको। लघु पराशरी से जनरली मैं आपको बताता हूँ, और षडाष्टक योग और द्विदश योग के बारे में बताऊंगा, यहाँ से वीडियो चालू होता है। आपकी मकर लग्न है, ठीक है, तो लग्नेश को कोई बुराई है क्या भाई? लग्नेश हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ये मार्केश भी है, इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। तो आपका लग्नेश शुभ है, लग्नेश का कोई रत्न कोई धारण करना चाहता है, लग्नेश का रत्न नीलम हुआ शनि के लिए, तो करें भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु इस कुंडली में कैसा है? गुरु इस कुंडली में सबसे खराब है, क्योंकि एक तो वो न्यूट्रल हो गया और ये उपचय हो गया, तो गुरु खराब है। गुरु के रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गुरु हो सकता है गुरु या नीच का, तो भी ज्योतिष उसको रत्न धारण करवाता है, बड़ी गंदी बात है ये। नीच के ग्रहों के रत्न, या 6, 8, 12, ये है 6, ये है 8, ये है 12, इन ग्रहों में बैठे ग्रहों के रत्न धारण नहीं करने चाहिए। तो गुरु इस कुंडली में शुभ नहीं है। मंगल कैसा है? मंगल इस कुंडली में केंद्र का प्लानेट है, और केंद्र, मंगल को केंद्र का दोष नहीं लगेगा क्योंकि ये पापी ग्रह है, लेकिन यहाँ तो उपचय है, और तो और बाद केस भी है, इसके साथ कहीं मांदी भी आ जाए तो जबरदस्त बाद केस हो जाएगा। तो ये गुरु इस कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये गुरु यहाँ अपनी राशि में बैठे तो अच्छे फल देगा, ठीक। यहाँ अपनी राशि में बैठे तो अच्छे फल देगा। देखिए, यहाँ गुरु होता है तो अपने 8वें स्थान को देखता है, ठीक है, और यहाँ से गुरु अपने में 6वें में बैठा है, तो भैया चौथा मंगल अच्छा और बलि हो जाता है और बहुत अच्छे फल देता है, याद रखना, ठीक। मंगल अच्छा नहीं है इस कुंडली में, सैद्धांतिक रूप से मंगल अच्छा नहीं है। शुक्र कैसा है? शुक्र इस कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह, सबसे शुभ प्लानिट, केंद्र का दोष लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन पंचमेश होने से बहुत ताकतवर हो गई, सबसे शुभ। और कहीं ये मंगल और शुक्र युति कर ले तो भी योग बनेगा, और मंगल और बुध युति कर ले तो भी योग बनेगा, लेकिन बुध में यहाँ पे छठे होने का दोष बरकरार है, ठीक। अब बुध कैसा ग्रह है इसमें? बुध इसमें एक षष्ठेश है, नवमेश है, तो नवमेश होने से ताकतवर हो गया, षष्ठेश होने से कमजोर हो गया, तो मिश्रित फल देगा, मिश्रित फल, ठीक है ना। चंद्रमा यहाँ मार्गेश है, केंद्र का दोष नॉमिनल लगता है तो मार्गेश है, तो मार्गेश तकलीफ दे होते मेरे भाई। सूर्य अष्टमेश है, अभी वो बताया था मैंने कि सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लघु पराशरी का ये सिद्धांत पढ़ लो ये, ठीक। ये 10वां 11वां श्लोक है, सूर्य और चंद्रमा को नारंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्र मसो भवेत, चंद्र और सूर्य और चंद्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन भैया ये सूर्य खूब ही पिटा हो यार, ठीक है। कैसे? अब पता लगा होगी, यहीं राहु हो और यहीं सूर्यमा सूर्य हो और शनि महाराज भी यहाँ से दृष्टि दे रहे हो, कहीं शनि महाराज यहाँ से दृष्टि दे रहे हो, कहीं शनि महाराज यहीं आ गए हो, पीड़ित हो गए यार। और पता लगा कि मंगल भी निपटा रहे हैं यहाँ पे चौथी दृष्टि से, ये लो, और तो और मंगल यहीं से देखने लगे, ये भी 8वीं दृष्टि पड़ी, और तो मंगल यहाँ से भी देखने लगे, तो पीड़ित हो गए, पता लगा कि मंगल भी यहाँ आ गए हैं, राहु इधर आ गए हैं कहीं, ये लो, ठीक। तो पीड़ित हो गया सूर्य, सूर्य पीड़ित हो गया, सूर्य पीड़ित हो गया तो कष्ट देगा यार, ठीक है ना। तो फिर ये सिद्धांत लागू नहीं होता कि साहब आप तो बोल रहे थे कि अष्टमेश का दोष नहीं लगता, हमारे गुरु केन राव साहब ने बोला है यदि सूर्य जो है अष्टमेश तो है लेकिन पीड़ित ना हो पाप ग्रहों से, तो सूर्य की दशा सामान्य जाएगी, बहुत कष्टप्रद नहीं होगी, अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, लेकिन यार उसकी जात तो अष्टमेश है, तो रह रहे के तकलीफ वो देगा ही देगा, ठीक। तो ये सूर्य की दशा तकलीफ दे होगी, पूरा बता दिया हूं मैंने, यदि पीड़ित नहीं होना चाहिए ये, और पीड़ित कहीं से भी हो सकता है यार, अनेक कारण से हो सकता है, और यहां ना हो तो यहां हो पीड़ित, वो ये लो मंगल आ गया साहब यहाँ पे, यहां से शनि भी घुस गया, लो नीच भंग भी हो गया, दुनिया भर के हो गए लफड़े, और पता लगा कि राहु भी इधर कहीं भटक रहा हो, इधर आ गया हो, लो और केतु इधर आ गया, हो गया पीड़ित, ठीक। तो इस तरीके से आप जानना, पता लगा कि राहु जो सूर्य है कहीं यहाँ हो और यहाँ पे और कोई प्लानेट आ जाए, मंगल जैसा प्लानेट आ जाए, या मंगल यहाँ से देखे चौथी दृष्टि से, ठीक
ठीक है, या मंगल यहां से देखे, या यहां से मंगल दे, यहां से भी मंगल आठवीं दृष्टि से देखेगा, ठीक है, तो भी पीड़ित कहलाएगा वो, और शनि भी देख रहा है यहां पे, तो इस तरीके से पीड़ित हो तो आपको राहु सूर्य तकलीफ देगा। देखो राहु तो पाप ग्रह है, तम वाला, और सूर्य भी, ठीक है। अब देखना कि राहु यदि आपका केंद्र में बैठा है तो केंद्र में बैठा राहु उतना तकलीफ देनी है, पंचम में बैठा तो राहु तकलीफ देनी, यहां बैठा तकलीफ देनी, राहु छठे में, देखो छठे राहु के बारे में शास्त्र ने बोला कि बहुत खराब फल नहीं देता, ठीक, आठवां खराब है, बारहवां खराब है, ठीक, कोई विदेश में रहता है तो ठीक है, बारहवां उसके लिए कोई बुरा नहीं है राहु, ठीक। और उपचय कैसा है, उपचय भाव में बैठा राहु तकलीफ दे नहीं है, और ग्यारहवें में बैठा भी राहु तकलीफ दे नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पांचवा राहु आदमी को, मानव को ईर्ष्यालु बना देता है, ईर्ष्या से गलत निर्णय लेता है और अपने पूरे व्यापार का या नौकरी को चौपट कर लेता है, ठीक। ये आप लोग देखना, मैं फलित बताया जितना मेरी क्षमता है बता रहा हूँ, कितने ज्यादा बताऊँ और, ठीक। अब यहाँ मैंने सब सब ग्रहों की बात बता दी, सब ग्रहों के अच्छे बता दिए, रत्न भी बता दिए, ठीक है। अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा और बोलना चाहिए। मैंने आपको बाध केस के बारे में बता दिए कि भैया आपका ये मंगल बुध बाध केस भी है, लेकिन मांदी से वास्ता हो, जातक परिजात कहती है तब मानना, ये जब मांदी कनेक्ट हो इसमें, या मांदी यहां बैठा हो या मंगल के साथ मांदी हो, ठीक है। रत्न का भी बता दिया। अब आपको रूबी पहनना ही है तो भैया रिंग फिंगर में पहन सकते हो रूबी, सूर्य माणिक है ना, और जो है तीन नत्ती में, सोना या तांबा में, अनामिका में, रविवार के दिन सूर्योदय से प्रथम 1 घंटे पहले, जैसे ही सूर्य उदय हो रहा है 6 बजे है तो 6 और 7 के बीच में पहन लो, और कृतिका उत्तर फाल्गुनी या उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में पहन लो, ठीक है। और भैया ये जो है ना, ये ओम गणेशु रादित्य का जप करो और मुक्ति पाओ बिना पैसे के। दूसरे भी बीज मंत्र लेना, ले लो आपकी इच्छा। ये सूर्य का दान के विषय में कुछ लिखा है, आप लोग रोक के पढ़ लेना। और सूर्य का जो यंत्र होता है ना, ये बिल्कुल बकवास चीज है। सूर्य का कोई यंत्र यदि यदि आप पूजा के लिए खरीदना चाहते हो, पूजा स्थान में रखने के लिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कोई कहता कि साहब मैंने ये ना सूर्य का मंत्र को शोधित कर दिया है, इसको जगा दिया, जिंदा कर दिया, तो झूठ बात है, ठीक। राहु का कवच यूज कर सकते हो, राहु का स्त्रोतम यूज कर सकते हो, सूर्य आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हो, और ये सूर्य आदित्य हृदय है, इसका यूज कर लो, इसका यूज कर लो, सब नेट पे है आजकल, कोई कठिन नहीं मेरा भैया। ये अनुवाद सहित सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, ये देखिए अनुवाद सहित, जिसको ना उपलब्ध हो तो मैं हर चीज उपलब्ध करा देता हूँ। ये राहु का दान है, और ये राहु गोचर में खराब हो, जैसे अभी वो राहु मीन में बदलेगा, मीन में आ रहा है तो आपका 6, 8, 12 में आ रहा है, चंद्रमा से 6, 8, 12 है, तो आप राहु के लिए इस प्रकार के दान और जो चीज मनाही है, खासकर हाथी का मद और हिरण, तो इससे बचना यार, है ना, हाथी का मद और हिरण, इससे आप बचना, ठीक है। हाथी का मद तो मिल सकता, लेकिन हिरण की नाभि में तो हिरण को मारना पड़ेगा, तो जेल भी जाना पड़ेगा, लफड़े मत पड़ना यार, ठीक है ना। लोग कुछ भी कर लेते हैं अपने लाभ के लिए। राहु दोष निवृत्ति के लिए दान, ठीक, ये आप देखिए यहाँ पे, ये भी है, ये भी है, ये लिखा है कि 6, 8, 12 स्थान पे, ठीक है, अनिष्ट स्थान पे स्थित ग्रह को के लिए रत्न और दान भी नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया मेरा वीडियो मेरे भाई, ठीक है। और राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, और नवदा भक्ति से ग्रह शांति होती है, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है, नारद भक्ति सूत कहता है, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ऐसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। ईश्वरी जप तप करो तो लाभ होगा, कोई ज्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। विष्णु सहस्त्रनाम अच्छा उपाय है, इसका उपयोग कर लो, ठीक। इतना बोल के मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहूंगा, मेरे से यथासंभव जितना जान पड़ा बताएं, बिना कुंडली के कितना फलित बताएगा, आपको मैंने जागरूक तो कर दिया, ये भी बताया कि बिना पैसे खर्च किए भी ग्रह शांति है, ये मैंने जो आखिरी में बताया 3 स्लाइड, यही तो इम्पोर्टेंट है भैया, आखिरी में जो चीज मैंने बताई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या फिर से दोहरा दूं एक बार, नवदा भक्ति से ग्रह शांति, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है शुद्ध भक्ति, कोई भी ऋण हो, पितर ऋण हो, आपको आपके मोहल्ले पड़ोस के एस्ट्रोलॉजर ने डराया आपको कि आपका तो पितर ऋण है जी, आपका तो राहु सूर्य ऐसा हो गया जी, ग्रहण लग गया जी, आपको तो सत्यानाश हो जाएगा जी, किसी का कोई सत्यानाश नहीं होगा, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। कोई भी भक्ति करो यार, कोई भी ईश्वर देवता ले लो, है ना, किसी का ठेका थोड़ी है, इतना तो सब दिया है, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भागवत पाठ, हनुमान चास, गीता पाठ, ललिता सहस्त्रनाम, राम रक्षा सूत्र, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, सब है यार, कभी थोड़ी है, विष्णु सहस्त्रनाम में ही ग्रह शांति हो जाएगी, होती है लोगों की, कर रहे हैं लाखों लोग।
अब उम्मीद है कि आपको थोड़ा आत्मविश्वास बना होगा। और जो ग्रहण दोष बोलते हैं, ग्रहण दोष राहु और सूर्य एग्जैक्ट हो, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 तारीख को, तो आज तो भारत में नहीं है, ग्रहण ही नहीं है भारत में। अब भारत में कोई बच्चा जन्मेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो थोड़ा पढ़ा भी, तो राहु के साथ सूर्य एग्जैक्ट डिग्री में होने चाहिए। जैसे आज है तो आज भी राहु बहुत दूर है, दूसरी राशि में है। राहु आज जो है मेष राशि में है और ग्रह दूसरी राशि में है, सूर्य और चंद्रमा है ना, तुला राशि में है, तो बहुत क्लोज डिग्री में आते हैं, तब ग्रहण का दोष होता है। हर एक कुंडली में नहीं हो सकता है, ठीक है? क्यों? हर महीने जो है ना सूर्य राशि बदलता है, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना वो। जैसे चंद्रमा हर महीने राहु के पास में आता है, चंद्रमा हर महीने राहु के पास आता है, तो क्या ग्रहण दोष हो गया क्या? नहीं। सावधान रहिए बाजार के लुटेरों से।